बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ फ्रूट ट्राइफल कस्टर्ड। ठीक है जी, इसकी रेसिपी आपको सिखाऊंगी भी और बताऊंगी क्या क्या लवाजमात फ्रूट ट्राइफल में डालते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, आपको बताती हूँ कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये 2 किलो दूध है। ठीक है जी, 2 किलो दूध है। ये कटोरी चीनी है, चीनी अपने जायके के हिसाब से डालेंगे हम। केले ले लिए मैंने, ये भी जितने जाएंगे ट्राइफल में बताएंगे आपको। ये टीन है, ये फ्रूट का ये मिक्स फ्रूट होता है, ये भी जाएगा। ये सेब लिए मैंने, जितने चाहिएंगे उतने डाल देंगे। इलायचियाँ ली हैं 3 से 4 दाने, ये भी जाएंगे। ये वनीला कस्टर्ड है, मैं ये वनीला का जो कस्टर्ड है ना, ये इस्तेमाल करूँ। आप अपने जो भी आपको अच्छा लगे फ्लेवर उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फ्रूट केक है सादा बिल्कुल, ये भी जाएगा इसमें। और ये बादाम की गिरियाँ, ये काट के ऊपर गार्निश के ऊपर लगाएंगे। चलते हैं किचन की तरफ। हाँ जी, देखिए मैंने चूल्हे पे चढ़ा दी है। दूध दूध पे उबाला आता है तो फिर इसमें जो जो चीज़ें डालनी है आपके सामने डालेंगे। तो उतनी देर में हम ना अपने जो केले छील के काटने, सेब भी छील के काट लेते हैं, ये आपके सामने आपको दिखाते हैं। ये ऐसे ऐसे सारे काटने, सेब को भी। अब ये बड़ा मजे का ट्राइफल ट्राइफल बनता है, फ्रूट ट्राइफल कस्टर्ड। बच्चों को बना के दीजिएगा, बच्चे खुश हो जाते हैं। माशाल्लाह बहुत मजे का बनता है। हाँ जी, ऐसे काटना सेब, ऐसे टुकड़ियों में, ऐसे बारीक बारीक ऐसे। हाँ जी, ये सारे केले और सेब ना, केले छील के सेब भी छील के सारे ऐसे ही ना ये काट लेने हैं। ये आपको दिखा रही हूँ, कैसे आप भी कर लीजिएगा। ठीक है जी। हाँ जी, ये फ्रूट काट के रख लिया। ठीक है जी, ये देखें ऐसे। ठीक है जी, और चीनी डालते हैं। दूध दूध हमारा बॉयल हो गया, चीनी डालते हैं। ये आपके सामने डालेंगे चीनी, अपने जायके के हिसाब से आप डाल लीजिएगा। थोड़ा सा चला देते हैं। हाँ जी, अब ये कस्टर्ड को हम घोल लेंगे तो उसमें दूध में डाल लेंगे। ये इलायचियाँ भी जाएंगी, ये 3 से 4 तरफ इलायची के दाने, ये भी जाएंगे। मैं इसको घोलूंगी, अब पानी नहीं मैं डाल रही, मैं दूध डालूंगी। इसको घोलेंगे, ये वनीला कस्टर्ड है। मैंने आपको पहले भी कहा था, आपको जो फ्लेवर अच्छा लगता है, स्ट्रॉबेरी है, मैंगो है, जो भी आपको अच्छा लगे आप उसमें बना लीजिए, टेंशन वाली बात नहीं। हाँ जी, ऐसे ऐसे इसको मिक्स कर लें। अगर आपको लगे कस्टर्ड काम में और भी डाल सकते हैं तो आप थोड़े में भी बना सकते हैं। हाँ जी, जितनी घर में चीज़ें मौजूद हैं उसी में बना लें, कोई मसला नहीं है।
डालती जाऊंगी, ठीक है जी, तो चम्मच चलाते जाऊंगी ताकि ये टुकड़िया ना बने। हाँ जी, कस्टर्ड हमारा तैयार हो रहा है। अच्छा बस मीठा चख लेते हैं, कम या ज्यादा, मुझे तो दूध में सही लगा था। देखते हैं। दो चम्मच मैंने 3 चम्मच डाले थे, मुझे वो गाढ़ा नहीं लगा, पतला भी, कि एक चम्मच डेढ़ और डालूं, ठीक है। हाँ जी, इसको ज्यादा गाढ़ा नहीं करना, लिक्विड फॉर्म में बस चाहिए, लिक्विड लिक्विड सा होगा। जितनी देर ये गाढ़ा होता है ना, इसको पकाते जाएंगे। हाँ जी, आप कुछ ठीक हो गए, चीनी चख ले, चीनी बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि फ्रूट वगैरह भी मीठे हैं, केक भी हमारा मीठा है, तो यहाँ चीनी बिल्कुल परफेक्ट है। आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। देखिए माशाल्लाह, इसको ज्यादा गाढ़ा नहीं करना, इसको बस लिक्विड शक्ल में बस रखना है। इसकी लेयर लगाएंगे, पहले केक की, फिर फ्रूट्स की, ऊपर कस्टर्ड डालेंगे, आपके सामने सारा काम करेंगे। हाँ जी, कस्टर्ड देखे, ये हमारा तैयार हो गया माशाल्लाह से। तो ऐसे इसको ज्यादा इसको गाढ़ा नहीं करना, ये देख ले, ऐसे थोड़ा सा, ऐसे बहुत ज्यादा नहीं इसको पकाना नहीं है, ये 10 मिनट के लिए इसको बस पकाया, अब ये तैयार है माशाल्लाह से, ज्यादा गाढ़ा नहीं करना इसको। ये अब ठंडा हो जाता है, कस्टर्ड हमारा तैयार है, इसको होने देते हैं ठंडा। तो उतनी देर में हम ये वाला कैन खोलते हैं और ये जो बादाम है ये गिरियां वगैरह काट लेते हैं गार्निश के लिए। ये कैन हम खोल लेते हैं, गिरियां वगैरह बादाम की ये काट लेते हैं। हाँ जी, अब ये कस्टर्ड हम नीचे उतार रहे हैं, ठीक है जी, ये सारा जो काम है ना ये आपके सामने करेंगे। ये बारीक बारीक ये काट लिए हमने बादाम, ऐसे ये मिक्स फ्रूट का जो कैन था वो भी निकाल लिया। अब ये आपके सामने हम सारा काम करेंगे। लेकिन कस्टर्ड बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, बिल्कुल अब तैयार है। ये फ्रूट ट्राइफल इतना मजे का बनता है ना, आप भी फ्रूट ट्राई कीजिएगा, तो बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अब ये जो फ्रूट ये जाएगा, फिर आप थोड़ी सी
थोड़े से बदाम या ये जाएगा। ये भी लगाने हैं आपने ऐसे, ठीक है जी। ये ऊपर जो ये बादाम है ये जी, हाँ जी ये अब मुकम्मल तैयार है, ठीक है जी। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी, तो हमें बताइएगा ज़रूर। तो ये है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो दुआओं में याद कीजिएगा, हमें दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।